ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्रीमती कमला देवी, श्री रामचंद्र जैन, सरोज तिलक, सारिका रूपेश, महावीर, दिशा, कविश, प्रेक्षा जैन, ढोल सूरत। किसी भी सुखद पूर्वक आसन में बैठ जाएं। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास लें। ओम भीतर गहरे मौन में चले जाएं। पूरे ब्रेक के दरमियान जो जो कुछ हुआ है उसे सिर्फ जाने, देखें, अनुभव करें। सुबह उठने से लेकर अभी तक की सारी दिनचर्या को देख लें। मैं कितनी देर अपनी आत्मा के प्रति सजग रहा, कितने क्षण मेरे प्रमाद में, बेहोशी में गए जब मैं अपने स्वभाव में नहीं था। स्वभाव यानी मैं आत्मा के होश में नहीं था, ज्ञाता दृष्टा भाव में नहीं था, प्रमाद में चला गया, बेहोशी में चला गया। क्रियाएं हो गई, फिर पता चला। सुबह उठने से लेके अभी तक की सारी चर्या को केवल दृष्टा भाव से देख ली। कहाँ कहाँ मेरा मौन टूटा, आर्य मौन का पालन क्यों नहीं हुआ, कहाँ मैं प्रमाद में चला गया, क्यों मैंने अपने मौन को तोड़ा। देखो अपने आप को, बस कहाँ मैंने व्यर्थ के इशारे किए, क्या मैं पूरे ब्रेक में खुद के साथ रह पाया, भोजन करते समय, नाश्ता करते समय, आवश्यक क्रिया करते समय, चलते समय, क्या मैं आत्मा के प्रति जागरूक था या बेहोशी में था, बाहर किसी और को देख रहा था या खुद के साथ था। सिर्फ जाने, देखें, कोई प्रतिक्रिया नहीं, अच्छा बुरा नहीं, जस्ट सी एंड वॉच, डूइंग नथिंग। अब अपना सारा ध्यान अपने आते जाते श्वास पर ले आए। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा था, मैं आत्मा ही रहूँगा। जानना, देखना मुझ आत्मा का स्वभाव है, जिसे हम ज्ञाता दृष्टा भाव कहते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति मुझ निज आत्मा का स्वभाव है। प
पर अपने स्वभाव में है, शरीर अपने स्वभाव में है, तो मैं आत्मा अपने स्वभाव में क्यों न रहूं? यही मेरा पराक्रम है कि हर हाल में, हर परिस्थिति में मैं सिर्फ अपने स्वभाव में, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहूंगा, पर मन, वचन, काया, शरीर, शरीर से जुड़े सारे संसार से मैं प्रभावित नहीं होऊंगा, मैं अपने स्वभाव में रहूंगा। भीतर जो चल रहा है वो मुझे स्वीकार है, बाहर जो चल रहा है वो मुझे स्वीकार है, आसपास जो हो रहा है वो मुझे स्वीकार है, शरीर के स्तर पर जो हो रहा है सब स्वीकार है, और मैं स्वभाव में हूँ, पर अपने स्वभाव में है, मैं सिर्फ दृष्टा मात्र हूँ। अब अपना सारा ध्यान स्वाभाविक रूप से चलने वाली सहज श्वास प्रश्वास पर ले आए, वो भी स्वाभाविक चल रही है, ना तेज ना धीमे, जैसी चल रही है बस मेरा ध्यान उधर है, जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, कोई प्रतिक्रिया नहीं। इस सांस को जानने वाला भी मैं आत्म तत्व हूँ, श्वास को देखने वाला भी मैं आत्म तत्व हूँ, श्वास इस शरीर की एक क्रिया है, वो स्वाभाविक रूप से चल रही है, मैं केवल अपने स्वभाव में हूँ। किसी भी निमित्त से पर भाव में चला जाऊं तो पुनः प्रेम पूर्वक अपने मन को स्वभाव में ले आए, दृष्टा भाव में ले आए। विचार कैसा भी आए, अच्छा आए, बुरा आए, आप उसे रोकेंगे नहीं, उसको महत्व नहीं देंगे, उसके पीछे नहीं जाएंगे, उसे अच्छा बुरा नहीं मानेंगे। विचारों की कहानी बनने लगे तो श्वास और सोहम के आलंबन लेंगे, अन्यथा धीरे धीरे शांत होते जाएंगे। अंतिम स्थिति शांत और शून्य की है। सो हम अन्यथा इसी शांति में गहरे गहरे मौन में चले जाएं, विचारों को रोके नहीं, विचारों के पीछे न जाएं, बस जो हो रहा है स्वीकार कर लें। एवरीथिंग इज ओके, नथिंग मैटर इन दिस वर्ल्ड, जस्ट यू बी विथ योर सेल्फ, डू नॉट रिएक्ट, डू नॉट क्रिएट, डू नॉट होल्ड एनी थॉट्स। Just see and watch, doing nothing. Go deeper and deeper. होने दीजिए, आप अनंत
आनंद शांति सुख का अनुभव कीजिए। अनंत सुख आत्मा का स्वभाव है, आत्मा अकेली है, शरीर अलग है, शरीर जड़ मूर्ति के समान पड़ा है। जैसे तीर्थंकरों की मूर्ति है थी, वैसे अपने ये शरीर को मूर्ति बना करके रख लीजिए। अंदर आप दृष्टा भाव में जो हो रहा है, सिर्फ देखने वाला जो है वही मैं हूँ, दिखाई पड़ रहा है वो सब दृश्य पर है, परतंत्र है। मैं आत्मा स्व को भी जान रहा हूँ, पर दिखाई दे रहा है, पर को मैं महत्व नहीं देता, स्व में मस्त हूँ, आनंद में हूँ। स्व का स्वभाव शांति, आनंद, सुख, समृद्धि, संपन्नता, परिपूर्णता। स्व अर्थात आत्मा। और गहरे गहरे चले जाए। गहरे का अर्थ है मन, वचन, काया के स्तर की वृत्तियों को महत्व न दें, इसके परे जो है उसे जाने, देखें और आनंद में रहें। वैसे स्वीकार करें, प्रमाद में न जाएं। निद्रा आने लगे तो सहारा छोड़ दें, थोड़ा आगे खिसक के बैठ जाएं। प्रमाद में एक भी क्षण न जाए, दो चार लंबे गहरे सांस ले लें। हर श्वास के प्रति आप जागरूक हैं। मैं आत्मा अपने स्वभाव में, ज्ञाता दृष्टा भाव में स्थित हूँ। भीतर बाहर जो हो रहा है सब जानता हूँ, देखता हूँ, फिर भी कुछ नहीं करता, अपने स्वभाव में मस्त। मैं आत्मा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति से परिपूर्ण। जो कुछ मुझे चाहिए सब मेरे पास है। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। अज्ञानियों ने बाहर खोज करके बड़ा बनने की कोशिश की, ज्ञानियों ने अपने भीतर में शोध करके पूर्णता प्राप्त की। वे समृद्ध, संपन्न, परिपूर्ण हो गए। अज्ञानी पूरी दुनिया को अपना बनाने में पूरा जीवन लगा देता है और अंत में कोई उसका नहीं बनता, तब वो पश्चाताप करता है, मैंने जीवन का बहुमूल्य समय क्यों खो दिया। हमें वो दिन न देखना पड़े, इसके लिए शोधशाला में आत्मा की शोध करते हुए
अपने भीतर के उस अनंत शांति, सुख, समृद्धि, संपन्नता के खजाने को अनुभव करना है, उसका रियलाइजेशन करना है और उसके साथ रहना है। इस आत्मभाव में रहते हुए एक लंबा गहरा सांस लें, धीरे धीरे छोड़ दें और एक लंबा गहरा सांस लें, धीरे धीरे छोड़ दें। दोनों हाथों को अपनी आंखों पर ले जाएं, कोमलता से स्पर्श करें, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। जय गुरु। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। ये जो शिविर है हर बार एक नई अनुभूति दे रहा है। पहला दिन निकला, दूसरा दिन निकला, तीसरा दिन इस तरह जैसा लगा यहाँ से जाए ही नहीं हम तो। और जो भगवान की जो वाणी और निशा जी की जो वाणी है उनको सुन के तो पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये ध्यान के माध्यम से ही पता चलता है कि आत्मा में शरीर और आपकी आत्मा अलग है। और मैं आपको क्या बोलूँ, आप जब एक बार शिविर करेंगे तो आपको पता चलेगा। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाना तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पाना तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणम पवज्जाम, अरहंते शरणम पवज्जाम, सिद्धे शरणम पवज्जाम, साहू शरणम पवज्जाम, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न कोई होगा जो भव्य प्राणी उसका अजर अमर, उसका सदा ही मऊ। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्रीमती कमला देवी, श्री रामचंद्र जैन, सरोज तिलक, सारिका रूपेश, महावीर, दिशा, कविश, प्रेक्षा जैन, ढोल सूरत। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी।